नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। सब्जी विक्रेताओं को लूटने के आरोप में सक्करधरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शमशाद उर्फ समीर अंसारी कपिल नगर निवासी, अब्दुल अमन वसीम खान पार्वती नगर निवासी, मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद नौशाद शेख कपिल नगर निवासी शामिल है। एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने शराब और गांजे का शौक पूरा करने के लिए लूटपाट शुरू की। जो सब्जी विक्रेता तड़के कलमना और कॉटन मार्केट आते हैं वे इनके निशाने पर होते हैं। नंदनवन लकड़गंज कलमना और नंदनवन थाना क्षेत्र में इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की दुपहिया वाहन का नंबर बरामद किया। इसके बाद सोमवार को रात गिरफ्तार किया गया। 2 जन अभी भी फरार है। रात को आग तापते समय चिंगारी उछलने से नाराज हुए युवक ने एक नाबालिग पर जानलेवा हमला कर दिया। एक आरोपी ने उसकी पीठ में चाकू घोंपकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों में आदर्श अशोक मिश्रा उम्र 19 साल के अलावा 2 नाबालिग शामिल है। घायल का नाम न्यू शुक्रवारी महाल निवासी संकेत राजेंद्र भेंदे बताया गया। बेरोजगारी और कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नंदनवन झोपड़पट्टी निवासी गजानन वामनराव पायघन बताया गया। गजानन पहले कपड़े की दुकान में काम करता था लेकिन पिछले कुछ समय से बेरोजगार था। घटना की रात उसने परिजन शादी समारोह में शामिल होने के लिए कामठी गए हुए थे। वह घर पर अकेला था। इस दौरान रात करीब 8 से 9 बजे के दरमियान गजानन ने सीलिंग फैन पर साड़ी बांधकर फंदा बनाया और फांसी लगा ली। लकड़गंज में स्नान करने गए स्टील व्यापारी के घर से 5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। क्वेटा कॉलोनी निवासी आनंद अरुण कुमार रांदड़ का चिकली में स्टील का कारोबार है। 20 दिसंबर को सुबह रांदड़ दुकान जाने के तैयारी में थे। घर में रांदड़ और उनकी बहन मौजूद थी। सुबह 9:45 बजे रांदड़ ने 5 लाख रुपए से भरा बैग, मोबाइल तथा घर की रजिस्ट्री सोफे पर रखकर स्नान करने चले गए। इसी दौरान खुले दरवाजे से अज्ञात आरोपी ने घर में प्रवेश किया और नोटों की बैग मोबाइल तथा रजिस्ट्री लेकर फरार हो गए। और तहसील पुलिस ने वाहन चोरी के एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपी का नाम हर्ष सुधाकर खोत उम्र 20 साल नाइक तालाब निवासी बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूनम अग्रवाल वर्धमान नगर निवासी, इनका वाहन गांधीबाग से चोरी होने की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। इस अपराध की जांच करते हुए आरोपी सुधाकर खोत को गिरफ्तार कर उसके पास से उक्त एक्टिवा वाहन और अन्य अपराधों में चोरी किए हुए 8 वाहन कुल 2,35,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई सीपी अमितेश कुमार इनके मार्गदर्शन में की गई। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इसी के साथ क्राइम न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।